सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, नवंबर तक जिले में 35,000 नए सदस्य जोड़े जाएंगे, शमीम खान। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का संगठन का विस्तार किए जाने व संगठन को मजबूत बनाए जाने के लिए आज जनपद के हर विधानसभा में पदाधिकारियों का मनोनयन। पार्टी के कैंप कार्यालय मोहम्मद शमीम खान के आवास पर जनपद में धारा 144 लगाए जाने की वजह से बहुत ही सादगी से आयोजित किया गया, जिसमें सदर विधानसभा का प्रभारी मोहम्मद वकील, बांसडीह विधानसभा का प्रभारी इश्तियाक अहमद, बेलथरा रोड विधानसभा का प्रभारी जाफर खान, सिकंदरपुर विधानसभा का प्रभारी गुलाम अहमद रजा, रसड़ा विधानसभा का प्रभारी अब्दुल्ला अंसारी, फेफना विधानसभा का प्रभारी वकील अहमद अंसारी, बैरिया विधानसभा का प्रभारी सैयद हुसैन, बलिया नगर का प्रभारी मोहम्मद तारिक व हनुमानगंज ब्लॉक का प्रभारी मोहम्मद शाहिद खान को मनोनीत किया गया। सभी नव मनोनीत पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी व पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद शमीम खान ने कहा कि प्रथम चरण में 30 नवंबर तक प्रत्येक विधानसभा में 5,000 व जनपद में 35,000 सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य है। दूसरे चरण में हम इससे बड़ा लक्ष्य लेकर उतरेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब व प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे नेता ने लोगों का भरोसा जीता। पूर्वांचल के सचिव कलिका प्रसाद ने कहा कि समाज का हर वर्ग अब पार्टी से जुड़ना चाहता है। हमें जनता के बीच जाकर जनहित के मुद्दों के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। जनता की उम्मीदें हमसे जुड़े हुई हैं। जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद नसीम खान ने कहा कि संगठन में ही शक्ति होती है, बगैर संगठन को मजबूत बनाए हम सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत सकते। अभी पूरा ध्यान नगर पालिका चुनाव पे है और उसके बाद उससे भी बड़ा मजबूत संगठन बनेगा। तैयारी पूरी जोर शोर से चलती रहेगी और लोकसभा में भी हम लोग दमदारी से प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि बीते दिनों हमने देखा कि एमपी में 5 सीटों पर नगर पंचायत की, जैसे अभी आपने कहा, तो जो पंचायत चुनाव है 5 सीटों पर AIMIM ने कब्जे जमा, तो उस तरह बलिया पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोगों की मतलब किस तरह की क्या रणनीति है? कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश में भी मजबूत संगठन बनाकर हर नगर पंचायत पर चुनाव लड़ा जाए। मैं कालिका प्रसाद, पूर्वांचल सचिव MIM। आज कैसा? आज पार्टी के निर्देशन पर संगठन के विस्तार के लिए विधानसभावार प्रभारी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सातों विधानसभा में 7 विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए गए। क्या संदेश देंगे? संदेश ये कि आज हर समाज के लोग मजलिस से जुड़ना चाहते हैं और मजलिस हर लोगों को अपने साथ लेकर के चलने के लिए संघर्षरत है और जनता के उम्मीदों के साथ खरी उतरेगी। इसलिए यह पार्टी हर घर जा कर के हर लोगों के संघर्ष में हिस्सेदारी लेगी, इसलिए कि जनता की उम्मीदें MIM के साथ जुड़ी हुई हैं, MIM से उम्मीदें रखी हुई हैं कि मजलिस हमारी लड़ाई। मोहम्मद नसीम खान, जिला संगठन प्रभारी बलिया। आज पार्टी में किन किन लोगों को नई जिम्मेदारी आपने सौंपी है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। आज बलिया जनपद में विधानसभा संगठन प्रभारी का आज आगाज हुआ है, जिसमें विधानसभा 361 मोहम्मद वकील, विधानसभा 360 वकील अहमद अंसारी, विधानसभा सिकंदरपुर 359 गुलाम अहमद रजा, विधानसभा बैरिया सैयद हुसैन, विधानसभा रसड़ा 358 अब्दुल्ला अंसारी, विधानसभा बेलथरा रोड 357 मोहम्मद जाफर खान, विधानसभा बांसडी 362 मोहम्मद इश्तियाक अहमद व नगर पालिका से मोहम्मद तारिक अहमद साहब को भी आज जिम्मेदारी दी गई है। आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति फिलहाल में संगठन को मजबूत और एक मजबूत संगठन देकर अग्रिम चुनाव को लड़ने की पूरी तैयारी के साथ प्रयास करना रहेगा। मोहम्मद शमीम खान, उत्तर प्रदेश कार्य समिति का पूर्व सदस्य और बलिया सदर विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी। आज किस प्रकार का आज माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब के निर्देशन में पूरे उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाए जाने के लिए पहल की जा रही है।
आज हमारे जनपद में माननीय नसीम खान साहब जो जिला के संगठन के प्रभारी हैं, आज उन्होंने ज़िले में जितने भी विधानसभाएं हैं उसमें संगठन के प्रभारियों का जो है आज जिम्मेदारी उन्होंने दिया है और पार्टी का आदेश है और हम लोग उस उद्देश्य से आज इकट्ठे हुए हैं कि 5000 कम से कम एक विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता जो है जोड़े जाएंगे और पूरे जनपद में हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि 35000 सदस्य हम लोग नवंबर के आखिर तक MIM पार्टी से जोड़े जाएंगे ताकि पार्टी को ज़मीन स्तर पे मजबूत किया जाए ताकि आने वाले चुनावों में हम दमदारी से पार्टी का चुनाव लड़ा सकें, जिता सकें।